कोर्ट में पुलिस की तरफ से क्या दावा किया गया, श्रद्धा का जबड़ा मिला है, क्या वो अहम सुराग हैं जो कोर्ट में पेश किए गए हैं? श्रद्धा का जो जबड़ा मिला है उसको उसके मिलने की जानकारी पुलिस ने कोर्ट में रखी है। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ग्राफिक्स आपको हम दिखाएंगे किस तरह से अहम सबूत अभी पुलिस के हाथ लगे हैं, क्योंकि शुरुआती जांच की अगर बात की जाए तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल थी, चुनौतियां कई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर जांच तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। कोर्ट में आफताब का कबूलनामा है जो कि एक पुख्ता सबूत है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। दिल्ली पुलिस तैयार है, फॉरेंसिक टीम तैयार है, डॉक्टरों की टीम ने भी नजर कड़ा रखी है। किसी भी वक्त आफताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यानी किसी भी वक्त आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ट्रुथ बोल रहा है या डिसेप्टिव है, कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे इसके बॉडी के सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं उस टाइम पे, और जहां वो इन्फॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है तो उससे वो नार्को में टेस्ट में हेल्प मिलती है उसको रिवील करने में। नार्को से पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो चलिए आपको दोनों टेस्टों में अंतर बताते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसका मकसद ये पता लगाना होता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच। इसके लिए एक मशीन की मदद ली जाती है, जो पूछताछ के दौरान शरीर में आने वाले बदलाव जैसे हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना, पसीना आना, सांस लेने के तरीके में बदलाव को नोट करती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये तय होता है कि इंसान चीजें छिपा रहा है या सब कुछ सामान्य चल रहा है। वहीं नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता है, इसे ट्रुथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा के शरीर में जाने पर व्यक्ति आधा बेहोश हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर सब कुछ ठीक रहता है तब जांच टीम आफताब का नार्को टेस्ट करवाएगी, जिसके लिए पुलिस ने 50 सवालों की फेहरिस्त तैयार कर रखी है। पुलिस इन दोनों टेस्ट के जरिए आरोपी आफताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इनमें से एक में फिजिकली तो दूसरे में आरोपी आफताब को नशे यानी आधा बेहोश करके पूछताछ की जाएगी। ये हमारी फोरेंसिक साइंस में इस तरह के प्रोविजन है कि इस तरह की जांच अभी आप देख ही रहे नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे काफ़ी हेल्प पुलिस को मिलेगी। और नार्को टेस्ट की हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट आ गई है, हमारे जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने इसके लिए आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। पर कुछ नार्को टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं, उनको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उन पैरामीटर्स के बारे में हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि आफताब पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा है, लेकिन उन जवाबों से पुलिस ना तो किसी नतीजे पर पहुंच रही है और ना ही पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ लग रहे हैं। ऐसे में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर ही उम्मीदें टिकी हैं, ताकि श्रद्धा वॉल्कर की हत्या का पूरा सच बाहर आ सके। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।